कहते हैं शब्दों में इतनी ताकत होती है कि ये किसी के कानों में पढ़कर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और यही शब्द किसी के कानों में पढ़कर उसकी जिंदगी बेकार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह रावत, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, BadaBusiness.com। आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया, कॉल की, व्हाट्सअप किया, मेरी टीम से बात की कि सर किस तरह से आपने अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाया, आपकी कम्युनिकेशन बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आप इतना प्यार करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही 5 स्टेप्स जो मैंने अपने लिए फॉलो किए थे, आज मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। बिल्कुल आपने थंबनेल में सही पढ़ा है कि बोलने की कला में माहिर कैसे बने कि दुनिया आपको देखती रह जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में बोले बिना कुछ नहीं होता। अगर हमें किसी भी चीज को प्रेजेंट करना है तो वहां पर हमारी बोलचाल ही सबसे ज्यादा मैटर करती है, और बोलचाल की कला अगर आपने सीख ली, अगर आपने अपने कम्युनिकेशन को बेटर बना लिया, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते 1000 खुल जाएंगे, क्योंकि जो बोलना जानता है उसको हर कोई पसंद करता है, क्योंकि बोलने की कला एक ऐसी कला है जिसको यूज कर आप अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। मैंने भी इस चीज को काफी फॉलो किया है, और मैंने कैसे कैसे इंप्रूव किया अपने कम्युनिकेशन को, वो मैं आज आपको 5 स्टेप्स में बताने वाला हूं। ये स्टेप्स आपको पहले से पता भी होंगे, मालूम भी होंगे, लेकिन आपने इनके ऊपर कभी एक्शन नहीं लिया होगा। तो आज के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्शन में आएंगे और इन चीजों को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आप अपने लाइफ में वहां पहुंच सके जहां आप पहुंचना चाहते हो, क्योंकि आप ही अपने लाइफ को बनाने वाले भी हो, आप ही अपने लाइफ को बिगाड़ने वाले भी हो। एक्शन लोगे लाइफ बदलेगी, एक्शन नहीं लोगे कभी लाइफ नहीं बदलने वाली, पता हर किसी को होता है, बट बात यह आती है कि उस पते पर आप एक्शन कितना लेते हो और कितना अपने लाइफ पर आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। मैंने ये 5 पॉइंट अपने लाइफ में 2 साल लगा के सीखे हैं, और 2 साल के अंदर मैंने अपने कम्युनिकेशन को काफी हद तक बेटर बनाया है, और इन 5 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वादा करता हूं आपसे, आपके कम्युनिकेशन इतने शानदार हो जाएगा कि लोग आपको सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे वाह यार, बोलना है तो तेरे जैसा बोलना सीखना है, क्या बात है यार। तो यही 5 स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो मैंने खुद सीखे हैं, मैंने खुद फॉलो किए हैं। तो बढ़ते हैं करके इन पॉइंट्स की तरफ, और उम्मीद करता हूं कि इन पॉइंट्स के आप नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि नोट्स ही लाइफ को बदलते हैं। क्योंकि एक बार हम कोई चीज देख लेते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई चीज हम लिख लेते हैं तो वो रजिस्टर हो जाती है माइंड में, और जब भी हम एक बार उसमें नजर डालेंगे नोट्स पर, तो सारी बातें तुरंत याद आ जाती हैं। तो बढ़ते हैं करके इन 5 पॉइंट के ऊपर, जो आपके कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए करना स्टार्ट किया था, वो क्या था, हाउ डू सक्सेसफुल पीपल स्पीक। सक्सेसफुल लोग बोलते कैसे, वो चलते कैसे हैं, वो देखते कैसे हैं, वो स्माइल कैसे करते हैं, वो किस तरीके से अपनी आवाज को ऊपर लेके जाते हैं, वो किस तरह से अपनी आवाज को नीचे लेके आते हैं, कैसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं अपनी आवाज से, किस तरह से वो बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होती है, किस तरह से वो चलते हैं, चाल ढाल क्या होती है उनकी, इस चीज को देखने के लिए और उनकी आवाज को बोलने के तरीके को सीखने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब में आज वो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो ज्ञान 95% लोग लेना पसंद नहीं करते, देखते ही नहीं, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। 95% लोग वो देखते हैं जो उनके लाइफ को बढ़ाती नहीं है, घटाती है, और वही लोग जिंदगी भर रोना रोते हैं कि हमारी जिंदगी में हमसे कुछ हो ही नहीं पाया। यहां से 2 साल पहले की बात है, उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने अपने आसपास से किसी से 1000-2000 रुपए करके मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, और उस कंप्यूटर को मैंने घर में इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद मेरे मोबाइल पर हर दिन मुझे 1.5 GB का डेटा मिलता था, उस डेटा को मैं सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में डाल दिया करता था। आज मैं आपको बता दूं, मेरे कंप्यूटर पर 495 GB की वीडियोस पड़ी हुई हैं सक्सेसफुल पीपल की। अब आप जिसको सक्सेसफुल मानते हो उनके आप वीडियोस रख सकते हो, उनकी वीडियोस आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे बोलते हैं, वो बंदा सक्सेसफुल है तो क्यों है, क्या चीज है उसके अंदर ऐसी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है, वो कैसे बोलता है, उसकी चाल ढाल क्या है, वो कैसे देखता है, कैसे स्माइल करता है, कैसे नजर घुमाता है, ये सारी चीजें देखने के लिए और सारी चीजें सुनने के लिए मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट की। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। मैं आज वादा करता हूं आपसे, आप जिसको भी सक्सेसफुल मानते हो उसकी वीडियोस आप लगातार 7 दिन तक देखो, उसको 7 दिन तक फॉलो करो, आप देखना 8वें दिन भी आपके अंदर वो बॉडी लैंग्वेज, वो कम्युनिकेशन, वो उसका चलने का तरीका, वो उससे बोलने का तरीका आपके अंदर अपने आप आने लग जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आंखें नकल करती हैं, हमारा दिमाग नकल करने में माहिर होता है। जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उसको देखते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो हमारी आंखें की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर रही होती है, और हमारा दिमाग उसकी आवाज को, कि किस तरह से वो बोलता है, किस तरह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, काफी डीप बातें हैं। मैं जब इन चीजों को समझा, मैंने कहा यार वो सामने वाला बंदा सक्सेसफुल है क्यों, वो लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर क्यों पाता है, क्या इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है। धीरे धीरे देखना मैंने सारे लोगों को स्टार्ट किया, 495 GB से भी ज्यादा की मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है, उनको मैं रोज देखता हूं। आप इस मोबाइल के अंदर क्या चीजें देखते हैं, यहीं से शुरुआत होती है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की। आज जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये पॉइंट आप लिख लो अभी, कि सक्सेसफुल लोग कैसे बोलते हैं, क्या उनके अंदर ऐसी खास बातें हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं। सुनना स्टार्ट करो, जितना अच्छा लीडर आपको बनना है उतना अच्छा आपको लिसनर बनना पड़ेगा।
आप जब किसी की भी वीडियो देखते हो नो डिस्ट्रैक्शन मोड में चले जाओ, किसी को भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने मत जाओ। और सबसे अच्छा होता है जब आप सोने जाते हो, उससे एक घंटा पहले आप सक्सेसफुल लोगों की वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब हम रात को कोई भी चीज देखते हैं और जब हम सोते हैं, वो जो थॉट होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है हमारे रात भर के सोने के दायरे के अंदर। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट मोड में चलाता है और ये एक साइकिल बन जाती है। आज के बाद आप भी सक्सेसफुल लोगों को सुनना शुरू कर दो और उनकी तरह बनना और उनकी तरह बोलना सीखने लग जाओ। उसके बाद दूसरा जो मैंने पॉइंट फॉलो किया था अपने लाइफ में कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, वो पॉइंट है आई स्टार्टेड रीडिंग बुक। मैंने किताबें पढ़ना शुरू की। अब किताबें पढ़ने से क्या होगा, मैं हमेशा कहता हूँ किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। क्यों कहता हूँ, किताबें पढ़ने से आपको समझ में आता है शब्दों को जोड़ते कैसे हैं, शब्दों को पिरोते कैसे हैं, किस तरह से शब्दों को एक साथ मिलाकर उसे प्रेजेंट किया जाता है। इसी से हमारी कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेटर बनती है और इसी से मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। आज आप जो भी शब्द मेरे मुँह से सुनते हो, इसमें से 65% मेरे किताबों से पढ़े गए शब्द जो मैंने ग्रहण किए थे वो शब्द होते हैं। जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो किस तरह से एक लेखक ने लिखा है, किस तरह से उन्होंने शब्दों को पिरो के लिखा है, वो सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। और बातों ही बातों में वो शब्द हमारे माइंड में घूमने लग जाते हैं जब आप लगातार किताबें पढ़ते हो। मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट की और मैं किताबों को ऐसा नहीं पढ़ता था मन मन में, ना, मैं पढ़ता था उनको बोल बोल कर तेज तेज। आज मुझे याद है जब मैं अपने आसपास के जंगल में जाया करता था, उस वक्त काम धाम को स्थानीय 1.5 साल से घर में बैठा हुआ था, और 1.5 साल से घर में बैठा हुआ था तो क्या करता, मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दी। लॉकडाउन था कि जाना था नहीं, जंगल था, बगल में जाके बैठ गया और वहां जाके तेज तेज पढ़ रहा हूँ एक एक शब्द को। मैं यह करता हूँ, सक्सेस होने के ये रास्ते हैं। इस तरह से शब्दों को अलग अलग करके मैं पढ़ता था ताकि मेरे शब्दों में एक लय आ जाए और शब्दों में गैप रहे ताकि सामने वाले के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े। उसके बाद मैंने जब किताबें पढ़ना स्टार्ट की, मैंने वीडियोज देखना स्टार्ट की, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कहीं जा सकते थे नहीं, तो वीडियोज देखनी स्टार्ट की, किताबें पढ़नी स्टार्ट की और किताबों को जोर जोर से पढ़ा ताकि मेरा जो कंठ है वो इन शब्दों को सही तरीके से बोलने में सक्षम हो जाए। इसकी प्रैक्टिस में रोज करता था, रोज सुबह शाम में एक एक घंटा किताबें पढ़ता था और आज भी मैं कम से कम 1.5 घंटे किताबें पढ़ता हूं ताकि मैं अपने कंठ को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा इसको इस तरह से बना पाऊं ताकि जब मैं लोगों के बीच में बोलूं तो उसका प्रभाव शब्दों का और जबरदस्त हो और पावरफुल हो। तो दूसरा पॉइंट मैंने फॉलो किया था, मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट की थी। उसके बाद तीसरा जो मैंने पॉइंट फॉलो करना स्टार्ट किया था वो किया था स्टार्टेड लिसनिंग टू ओन कॉल रिकॉर्डिंग्स। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट कर दी। मैंने ऑटो कॉल रिकॉर्डर डाउनलोड कर दिया, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको एनेबल कर दिया। एनेबल करने के बाद जब भी मैं किसी से बातें करता था, अपने दोस्तों से बातें किया करता था, लॉकडाउन में कुछ टाइम था नहीं तो लोगों से तो अपने दोस्तों से बातें किया करता था, तो फिर मैं उसको रोज रात को सोने से पहले सुना करता था। कान में हेडफोन लगाया, डिस्ट्रैक्शन होती नहीं है, शांत माहौल है, फिर सुनता था मैं, अच्छा ऐसे बोल रहा था, अच्छा मैं गलत बोला मैंने यार। जब भी मैं किसी से बात करता था मैं देखता था कि मेरी जो आवाज़ है वो किस तरह से बेस फील करा रही है सामने वाले को, उसके अंदर जो मैं अपनी इंप्रूवमेंट चाहता हूँ कि हो रही है नहीं हो रही है, अच्छा यहाँ पर मैंने इस शब्द को गलत तरीके से प्रेजेंट किया था, इस शब्द को मैंने गलत तरीके से बोला था, इसको मुझे और बेटर करना चाहिए था। जब भी आप अपनी कॉल सुनना स्टार्ट करोगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप अगर गलत तरीके से बोलते हो ना, आपके शब्दों में अपने आप सुधार आने लग जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन अपने आप बेटर होने लग जाएगी, क्योंकि आप अपने गलतियों को सुनोगे, उन गलतियों को इंप्रूव करोगे, क्योंकि आप अपने रिकॉर्डिंग को खुद सुन रहे हो और अपनी ही गलतियों को खुद निकाल रहे हो, किसी और को बता नहीं रहे, खुद की रिकॉर्डिंग खुद सुन रहे हो, तो उससे प्रभाव ज्यादा पड़ता है कि किसी और के बीच में बेइज्जती नहीं हुई, चलो कि यार मुझे खुद की गलती पकड़ में आ गई तो अब मैं इस गलती को सुधारूंगा और बेटर बनाऊंगा। क्योंकि कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी गलतियां पता ही नहीं होंगी तो आप इंप्रूव कहां पे करोगे। जब आप इंप्रूव करोगे उसके लिए सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो तीसरा पॉइंट है, वो है कि खुद की कॉल रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दो। आज के बाद अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का सेक्शन ऑन कर देना, जब भी किसी से बात करते हो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना, उसको फिर रोज रात को सोते समय सुनना। मैं वादा करता हूं आपसे इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना, 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ये 3 पॉइंट फॉलो किए तो 110% आपके कम्युनिकेशन में इतनी जान आ जाएगी, आपको सर मजा आ गया यार, पहले लोग मेरे सुनते नहीं थे, अब मेरी बातों में जान आने लग गई, लोग बोलते हैं यार तू अलग तरह से बोलता है, लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया यार तू अलग तरीके से बोलने लग गया, पहले तो ऐसे बोलता था, घर वाले बोलते थे, कुछ चेंजेस आ रहे तेरे अंदर, तू कुछ बदलने लग गया है, कुछ शब्दों को तू घुमाने लग गया है, इस तरह से मुझसे बोलते थे, तो मुझे समझ में आ गया कि अब मेरी इंप्रूवमेंट साइकिल चल चुकी है, अब मुझे और बेटर बनना है। लेकिन अभी भी 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने बहुत जरूरी हैं अपने कम्युनिकेशन को जबरदस्त बनाने के लिए। और वो चौथा पॉइंट है,
स्टार्टेड मेक माई ओन वीडियोज़, मैंने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए। आप अगर देखेंगे जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था उससे भी पहले से मैं यूट्यूब के ऊपर था, उससे भी पहले से मैं अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए इस चीज़ को फॉलो कर रहा था। मैं वीडियोज़ बहुत बनाता था, मुझे कैमरे के सामने आना बहुत पसंद था और आज भी कैमरे के सामने आना मुझे बहुत पसंद है। जब भी हम कैमरे के सामने आते हैं तो हम देख पाते हैं अपने आप को, जब हम खुद की वीडियोज़ बनाते हैं मैं किस तरह से बोल रहा था, मेरे चेहरे पर सिकन तो नहीं थी, मैं घबरा तो नहीं रहा था, मेरी आँखें कैसी थी, मेरे हाथ कैसे घूम रहे थे, मैं किस तरह से बोल रहा था, मेरे शब्दों में जान थी या नहीं थी, मैं घबरा तो नहीं रहा था, क्योंकि 95% लोग कैमरा ऑन करते चुप हो जाते हैं। अब मतलब क्या बोलूं हो जाती है उनको, क्यों होती है, क्योंकि डर होता है। और इस डर को अगर आपको खत्म करना है आपको अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग और कैमरे के सामने आना दोनों चीज़ें समान समान है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। जो इंसान कैमरे के सामने बोल लेगा वो 1000 लोगों के सामने भी खड़ा होकर आराम से बोल लेगा, क्यों, क्योंकि उसने अपना डर खत्म कर लिया है। क्योंकि जब हम कैमरे के सामने बोलते हैं तो हम निर्जीव से बात कर रहे होते हैं, और निर्जीव से जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें एंथुजियाज्म और जोश दिखाना होता है, तो उस जोश को जब हम लोगों के सामने जाकर प्रेजेंट करते हैं तो वो जोश 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एनर्जी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, वो एनर्जी और हाई हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप निर्जीव से जीव की तरफ चले गए हो, यानी कि जो जीवित है उनकी तरफ आप चले गए हो, तो वो ऑरा, वो एनवायरनमेंट और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो खुद की वीडियोज़ बनाने मैंने स्टार्ट की थी, मैं बाद में वीडियोज़ को देखता था, अच्छा मैंने ऐसे बोला, मेरे चेहरे में सिकन थी, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, मैं थोड़ा सा हड़बड़ा रहा था, मैं शब्दों को सही तरीके से पिरो नहीं पा रहा था। क्यों, क्योंकि मुझे अपनी कम्युनिकेशन को बेटर नहीं बहुत बेटर बनाना था। मेरे अंदर एक ऐसी आदत है जो मुझे यहाँ तक लेके आई है आज, क्यों, क्योंकि मुझे हमेशा बेटर करना था, हमेशा बेटर। ये किया इससे बेटर कैसे कर सकता हूँ, ये कर दिया मैंने अब इससे बेटर मैं और कैसे करूँ, अपनी पर्सनैलिटी को और कैसे बेटर बनाऊँ, ये सारी चीज़ें मैं सीखता था। क्यों, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में ग्रो करना था। अगर आपको भी अपने लाइफ में ग्रो करना है तो आप आज के बाद इन पॉइंट्स को फॉलो करना। अगर आपके लाइफ में कोई गोल होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप फॉलो करोगे, नहीं करना होगा तो आप ठीक है, वीडियो देख लिया, अच्छा लगा सर, बहुत बेहतर, तालियां बजाओ सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छी वीडियो बनाई आपने। इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप इस वीडियो को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी के साथ फिर खिलवाड़ करोगे अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया। मैंने क्या कहा था, आप ही अपनी जिंदगी को बनाने वाले भी हो, आप ही अपनी जिंदगी को बिगाड़ने वाले भी हो, तो ये बात मैटर करती है कि आपको एक्शन में आना ही पड़ेगा। पांचवा पॉइंट बहुत जबरदस्त, जिसने मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ दी अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाने में, और वो पांचवा पॉइंट है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बार वीडियो देखी, एक दो दिन तो एक्शन में आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस और खुद को इंप्रूव करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लगता है कि अरे यार कब खत्म होगी, कब मेरी इंप्रूव होगी, कब मैं कैसे बोल पाऊंगा। नहीं, आपको प्रैक्टिस चाहिए रोज और कंसिस्टेंसी के साथ, रोज आपको प्रैक्टिस करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। जब तक आप इस पृथ्वी में हो, जब तक मैं इस पृथ्वी में हूँ, लगातार प्रयास करना हमारा धर्म कर्म है अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, जैसा चल रहा था वैसे चलने देना है, तो जैसे हो वैसे रहो, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खुद की लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस रोज चाहिए, लगातार प्रयास चाहिए आपको। ऐसा नहीं एक दिन आपने कर लिया 10 दिन बैठे रहे, बिल्कुल नहीं, मैंने रोज प्रयास किया, रोज लगातार अभ्यास किया और आज भी मैं करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता पाता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं और मैं आपको ऐसे ही आके बता रहा हूं, मैंने खुद को इंप्रूव भी किया है, मैंने खुद की लाइफ को चेंज भी किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर लो। वादा करता हूं आपसे 7 दिन के अंदर अंदर आप मुझे इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट नहीं करोगे कि सर मजा आ गया यार, तो क्या कहना बोल देना। अगर आप इंप्रूव करोगे तो जो इंप्रूव करेगा 1 हफ्ते बाद आके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर मजा आ गया, और जो लोग इंप्रूव नहीं करोगे बोलना सर मैं इंप्रूव नहीं करूंगा, कमेंट लिख के चले जाना सर। क्योंकि अगर आप खुद को इंप्रूव नहीं कर सकते तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है भी नहीं जो खुद को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो मैं चाहता हूं कि आप रोज 1% बेटर होकर जाओ यहां से। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियोस बना दी, आपने देख लिया, आप चले गए। मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम करें, और आप भी चाहते होंगे कि आप भी इन पॉइंट्स के ऊपर काम करें। अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर मैं आज के बाद इंप्रूव करूंगा और रोज प्रैक्टिस करूंगा जो आपने पॉइंट्स बताए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।